हाँ जी, तो वेलकम बैक टीच वीजा पंजाबी चैनल ते। उम्मीद करदा कि तुसी ठीक होवोगे। इस वीडियो दे विच असी गल करांगे साउथ अफ्रीका तू कैनेडा जाण दे वाले दे नाल। साउथ अफ्रीका तू कैनेडा दी डौंकी दी गल करांगे। जिहड़ा भी वीर इस टाइम साउथ अफ्रीका दे विच है वे या फिर ओ इन्हां दो तीन महीनां दे विच साउथ अफ्रीका जाना चाहुंदा, इंडियन पासपोर्ट दे उत्ते जिहड़ा ना साउथ अफ्रीका दा वीजा सौखा लभ जांदा, पाकिस्तानी जिहड़े ने उन्होंने जरा मुश्किल होंदी है साउथ अफ्रीका का वीज़ा लैन लग गया। बहरहाल तुसी किसी ना किसी तरीके साउथ अफ्रीका पहुँच जाते हो। साउथ अफ्रीका की डौंकी दे उत्ते साउथ अफ्रीका किंज पहुँचिया जाता है, इंडिया तो पाकिस्तान तो युगांडा कीनिया तो होके, उहदे ते मैं एक सैपरेट डिटेल वीडियो बनाई है। जे कोई वीर इंट्रस्टिड रखता है तो वो उस वीडियो जाके वेख ले। उस वीडियो दे विच तुहानू सारी दी सारी इनफॉर्मेशन लभ जाएगी कि पाकिस्तान तो इंडिया तो डौंकी ला के बाय रोर बाय ईयर किन्ने पैसे लगते हैं साउथ अफ्रीका जाने के, कि कंट्री ने जिन्ना तो हो के साउथ अफ्रीका पहुँचा जाता है। सारी की सारी डिटेल इनफॉर्मेशन तुहानू लभ जाएगी। तो टीच वीजा पंजाबी चैनल के वीडियो का लिंक भी मैं थले डिस्क्रिप्शन च दे देंगा। तो जे थोड़े कोई भी वीर चाहता वे कि हर वीडियो तुहानू लभ जाए इस चैनल की, तो तुसी चैनल नू सबसक्राइब करो, नाल ही एक बैल का आइकोन होना उन्होंने भी दबा दियो ता कि जदों भी असीं वीडियो अपलोड करिए नोटिफिकेशन तुहानू मिल जाए। हाँ जी, तो गल करने असीं साउथ अफ्रीका तो कैनेडा किवें जाया जाता है। लीगल तरीके की गल करने सब नालों पहला, तुसीं साउथ अफ्रीका जाते हो तुहाडे कोल किसी ना किसी कैटागरी का वीजा हुंदा वे। लीगल तरीके की गल करन लिया वा, जो तुसीं उत्थे पहुँचते हो उत्थे पहुँचण तों बाद जिन्नियां भी रिक्वायरमेंट हुंदियां ने उन्हां दियां डाकूमेंट्स हुंदे ने उह सारे तुसीं एम्बैसी दे विच जमा कराने हुंदे ने। उतों तुहाडा जिहड़ा वीज़ा वो अपलाई हुंदा ते उत्थे ही लगेगा, डिपेंड करदा तुहाडियां रिक्वायरमेंट उत्ते। जे ते तुहाडियां रिक्वायरमेंटां टोटली मैच करन डईआं ने एम्बैसी दी रिक्वायरमेंट दे नाल, ते फिर ते सौखे तरीके दे नाल तुहाडा वीज़ा लग जाएगा। ए वे लीगल तरीका। दूसरा हुंदा डंकी वाला तरीका जिहनूं इलीगल तरीका आख्या जांदा। तुसीं साउथ अफ्रीका तुहाडे कोल कोई कागज़ नहीं हुंदे, तुसीं डंकी ला के आए हुंदे हो साउथ अफ्रीका। एक गल तुहानूं दस दिआं, बहुत सारे वीर जिहड़े साउथ अफ्रीका दे विच रहिंदे ने इस गल नाल एग्री करनगे 100%। साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जिथे पैसे दे के तुसी कोई काम भी करवा सकते हो। पासपोर्ट किसी कंट्री का बनवाना है उत्थों बन जाता है, कोई कार्ड बनवाना है उत्थों बन जाता है। साउथ अफ्रीका पैसे दियो तो हर काम हो जाता है। साउथ अफ्रीका का पासपोर्ट जिहड़ा इत्थों पाकिस्तान तो इंडिया तो बंदे जाते हैं उत्थे पैसे भरते हैं किसी बंदे दे नाम ते जिहड़ा ना ओ पासपोर्ट बन जाता है। जो पासपोर्ट बनता है मोस्टली जिहड़े वीर ने ओ पासपोर्ट के उत्ते ट्रैवल करते हैं यूके का, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पासपोर्ट के उत्ते यूके ने वीज़ा फ्री दिता है। तुहाडे कोल साउथ अफ्रीका का पासपोर्ट है, तुसी विदाउट वीज़ा यूके जा सकते हो, तुहानू किसी वीज़े की लोड़ नहीं पैंदी है। मोस्टली जिहड़े वीर ने ओ यूके वाली जाते हैं, साउथ अफ्रीका का जैली पासपोर्ट बनाते हैं, फीक पासपोर्ट बनाते हैं, उत्थों अगू ट्रैवल करते हैं यूके का। यह तो हो गई यूके की गल। गल करने असी कैनेडा की, कैनेडा किवें पहुँचिया जाता है साउथ अफ्रीका तो। साउथ अफ्रीका का जो तुम पासपोर्ट ले लेंगे हो या फिर साउथ अफ्रीका का जिहड़ा कार्ड हों जिन्हों टैंपरेरी रेजिडेंट या फिर PR कहा जाता है, उस स्पेस के उत्ते एक तो लीगल तरीका होंगे तुम उ किसी भी बंदे के ना तो अपना जरा ना पासपोर्ट बनवाते हो अपना कार्ड बनवाते हो, उस कार्ड की बेस से तुम कैनेडा का वीज़ा अप्लाई करते हो। उस जैली कार्ड के उत्ते जरा ना तुसी कैनेडा का वीज़ा ले लेंगे हो, फिर तुसी अगू कैनेडा जा सकते हो उस कार्ड के उत्ते। क्योंकि मोस्टली जिहड़ी पुछगिछ हुंदी हो साउथ अफ्रीका दे विच हुंदी है, ते ओह वी तुसी पैसे पूसे दे के एयरपोर्ट दे उत्तों चढ़ाई कर लेंगे हो। अगू फिर कैनेडा जाके इन्नी प्रॉब्लम नहीं हुंदी, वो इंटरव्यू ही देना पैंदा छोटा जिहा, इमीग्रेशन क्लीयर करनी पैंदी है। वह जे तुहानू चंगी इंग्लिश आउंदी है, कॉन्फिडेंस लैवल चंगा तुहाडा, तुसी जरा ना सौखे तरीके नाल इमीग्रेशन भी क्रॉस कर लोगे। हुण गल करने आ डौंकी दी, कैनेडा दी डौंकी दी। जे तुसी साउथ अफ्रीका तो डौंकी लांदे हो तो फिर की प्रोसीजर होएगा? मोस्टली जिहड़े बहुते पाकिस्तानी ते इंडियन भरा ने साउथ अफ्रीका तो कैनेडा जाने वास्ते डौंकी का राह ही यूज़ करते हैं। एक तो यह वे कि घट पैसे लगते हैं, दूसरा यह वे कि उतों साउथ अफ्रीका तो जरा ना
अगे साउथ अमेरिका दी कंट्रियां वल जाना जरा सौखा वे। अगर कंपेयर करिए असी पाकिस्तान इंडिया दुबई तू जे असी तुसी जांदे हो ब्राज़ील अर्जेंटीना चिली या पेरू तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। फ्लाइटा महंगिया ने वीज़ा बड़ी मुश्किल लगता तो इमीग्रेशन बहुत मुश्किल क्लीयर होंगी है। बट साउथ अफ्रीका जो तुसी जांदे हो ब्राज़ील हो गया स्पैशली युगा यूरागो हो गया तो पैरागो हो गया इन्ह कंट्रिया बड़िया अपना तुसी कह सकते हो कि इको फ्रेंडली कंट्रिया ने यह बड़ा ईजीली जरा एंट्री देख दियां ने। मैं तो खुद वेख्या वे साउथ अफ्रीका दे तुहाडे कोल कार्ड तुसी यूरागोवा या फिर पैरागोवा जांदे हो तुहानू ईजीली जरा एंट्री लब जांदी इन्नी मुश्किल नहीं हुंदी। जदों तुसी इन्हां दोवां कंट्रियां दे विच पहुँच जांदे हो अगू फिर वो जरा यूएसए का रूट हुंदा वे तुहानू ब्राज़ील लैके जांदा ब्राज़ील टू पेरू पेरू टू इक्वाडोर इक्वाडोर टू कोलंबिया कोलंबिया तो फिर पनामा निकारागोवा फिर उस तो बाद ग्वाटेमाला एक्सिलवाडोर तो फिर अगू मैक्सीको तो मैक्सीको तो फिर अगू यूएसए ये मोस्टली जरा राह वे वह इथू वरत्या जाता वे। तो ये तो एक अंदाजा लावा मैं कन्फर्म तो नहीं है क्योंकि इस टाइम डालर चढ़ता पिया वे तो मोस्टली जो तुम डोंकी लाओगे उदू डिपेंड करेगा डालर के उ डालर का की रेट है। मोस्टली मैं तुम्हें दस दिया तो तकरीबन पांच छे हज़ार डालर जो ये खर्चा आ जाता हो सकता है बहुता भी आइए। मैं उन्हें तुम्हें एक मिनीम कास्ट दसन दिया कि 4 to 5,000 मिनीम तुम अपने जेहन के रख के टुरो कि इन्ने पैसे लगने ही लगने ने। साउथ अफ्रीका तो जो तुम डोंकी लाते हो यूरागोवा या फिर मानागोवा की अगू फिर जरा लैके जाया जाता फिर बार्डर रूट जरा साउथ अफ्रीका तो लैके तो यूएसए के जरा हों ब्राज़ील तो लैके तो मैक्सीको जिन्या भी कंट्रिया ने टपाइया जाने डोंकी ला के तो फिर उस तो बाद जरा अगे कैनेडा पहुँचते हो। साउथ अफ्रीका भी एक चंगी कंट्री है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है उंज भी उत्थे वाह वाह जबाना जो बोलिया जा पाकिस्तानी भी रेंदे ने इंडियन भी रेंदे ने बंगाली वीर भी उत्थे काफ़ी ज़्यादा रेंदे ने तो हर कम्यूनिटी उत्थे रेंदी है चंगा कंट्री है। बट एक गल जरूर है तुसी साउथ अफ्रीका नू इन्ना वड्डियां कंट्रियां दे नाल कंपेयर नहीं कर सकते जिवें कि यूके हो गया जर्मनी हो गया इटली हो गया कैनेडा हो गया अमरीका हो गया इन्हें नाल तुसी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जरा छोटी कंट्री है। हालांकि वेख्या जाए तो अफ्रीका दे विच सब नालों तगड़ी इकानमी इस कंट्री की ही है सब नालों वड्डा कंट्री भी यही है इकानमी के लिहाज नाल पैसे के लिहाज नाल चंगा रुपया साउथ अफ्रीका दे विच बाकी अफ्रीकन कंट्रियां दी अगर असी कंपेयर करिए। बट ये वे कि साउथ अफ्रीका तुसी कहो कि साउथ अफ्रीका ते पुर्तगाल जो दसो चंगा कंट्री केरा वे तो ऑब्वियसली पुर्तगाल है साउथ अफ्रीका तो उहदे नेड़े भी नहीं है तो इसलिए कुछ वीर है ने जिन्होंने साउथ अफ्रीका बड़ा गुड कंट्री लगता भी उत्थे पैसे भी कमाए ने उन्हें चंगे तरीके लीगल तरीके पासपोर्ट भी उन्होंने कोल है उत्थे विआह भी किया याने भी उन्होंने उत्थे ने चंगे रुपये कमाने ने बिजनेस खिलारे ने उन्हें साउथ अफ्रीका दे विच। बट कुछ दूसरी तरफ ने अपना वीर जेडे कि ओपन माइंडेड ने साउथ अफ्रीका तो अगे ही जाना चाहते ने यूके हो गया कैनेडा हो गया अमरीका हो गया अगे ही जाना चाहते ने। हर एक वीर की सोच वक् वक् होंगी है किसी नूं साउथ अफ्रीका ही बैटर लग जाता है कई लोग होंगे ने जिन्हां नूं कैनेडा जाके भी नहीं सिखा हुंदा ते अपनी अपनी चॉइस होंगी है तू तुहानूं कहड़ा कंट्री सूट करेगा तो उत्थे जाके ही पता लगेगा। तो मैं उम्मीद करदा वा कि इस वीडियो दे विच जिन्नी भी इनफॉर्मेशन लेटेस्ट इनफॉर्मेशन साउथ अफ्रीका तू कैनेडा की डोंकी दे उत्ते मेरे को लै सी मैं तुहाडे नाल शेयर कर चुकी हाँ ऑलरेडी। तो जे इस तों अलावा तुहाडा कोई भी सवाल है तुसी थले कमेंट बॉक्स विच जरूर पूछियो। तो जिन्हां वीरां ने चैनल टीच वीज़ा पंजाबी नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया उन्हां अगे रिक्वेस्ट है कि चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। मैं इस तरह दियां ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहिंदा वां। चैनल नूं सबसक्राइब करो वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो तो मिलते हैं तुहानूं नैक्सट वीडियो ते।